हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, भैया हमने एक वीडियो बनाई थी जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे, लेकिन भैया वो वीडियो अपलोड करते ही हमें वो अनलिस्टेड दिखा रहा है, मतलब कि वो वीडियो की नोटिफिकेशन किसी के पास गई नहीं, आपके पास गई नहीं, गई होगी ना, किसी के पास नहीं गई, उसे मैंने डिलीट कर दिया, फिर मैंने उसे फिर री अपलोड किया आज, लेकिन वो फिर अपलोड नहीं हुई। तो उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं इसी वीडियो में उसका 30 मिनट का, हम 30 मिनट तक कॉपीराइट का यूज़ कर सकते हैं, तो 30 मिनट का कॉपीराइट क्लिप यूज़ करूंगा जिसमें मैंने एक पॉपुलर सीन को देखा था जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और वो सीन आपने हर जगह देखा होगा, जो श्री कृष्णा नाग के फन पे नाचते हैं, वो सीन कैसे बना, क्या है उसके पीछे का भी इफेक्ट्स, तो चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो सीन था ये इस तरह से बनाया गया था कि जो सांप है वो रबड़ का है, मतलब कि नकली सांप है, किसी ने सांप का सूट पहना, किसी ने सांप का कपड़ा पहना है, या फिर कोई नकली रबड़ का खिलौने वाला सांप है, ये नहीं पता, लेकिन ये सांप नकली है और ये खिलौने खिलौने वाला सांप ही है, जो हमारे पास वो शेर वगैरह नहीं होते हैं, खिलौने वाले असली जैसे लगते हैं, उसी तरह का ये नकली सांप है, इसका मुंह आप देख सकते हो। और दोस्तों इसी में बस जल्दी जल्दी कॉपीराइट आ नहीं जाएगा। तो दोस्तों यही मैं आपको बता दूँ, जो ये सांप के ऊपर नाच रहे हैं ये सीन मतलब अलग से शूट किया गया, अलग से वो ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन के ऊपर मस्त नाच रहे हैं, और उसके आगे बस कालिया का फोटो लगा दिया गया, वो नकली वाला फोटो लगा दिया गया, जिससे हमें लगे कि भैया ये तो फन पे नाच रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर आप अपनी बुद्धि को खोल के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि भैया वो फन पे नहीं नाच रहे, वो नाच रही हैं ग्रीन ब्लू स्क्रीन पे, या फिर कह लो ग्रीन स्क्रीन पे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीएफएक्स ब्रेकडाउन, इससे पहले आपको ये बात पता थी या नहीं थी, तो इसके लिए आप इस वीडियो को कर दीजिए कमेंट और वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और हमारे 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।